अल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, द टॉपिक व्हिच वी हैव टू डिस्कस इज द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड is the what is the treaty and agreement। तो treaty क्या है बेटा? Treaty is a formal written agreement entered into by actors in international law। formal written agreement क्या होता है? इसमें requirement होती है कि sign documents होने चाहिए, ठीक है। In addition to वर्बल कॉन्सेंट भी इसमें होती है और इसमें साइंड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना, ये बैनुल अक्वामी कानून में काम करने वालों में दाखिल होने के लिए, ठीक है। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि ट्रीटी में आल्सो बी नोन एज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल, वैसे ज़ाबता अखलाक है, ये इंटरनेशनल ज़ाबता अखलाक है या इंटरनेशनल कोविडेंट है, अहद है, कन्वेंशन है रस्मी तौर पर या रिवायती तौर पर, ठीक है। पैक्ट है, अहद व इकरार है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ लेटर्स अमंग द टर्म्स जो होती हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट क्या होता है? नेगोशिएटेड एंड यूजुअली लीगली enforceable understanding। legally enforceable क्या होता है? कानूनी तौर पर नफाज जिसका हो, understanding between two or more legally competent authority जो होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या होता है? legally enforceable understanding होती है, ठीक है, कानूनी तौर पर नफाज होता है, ठीक है। Now the first कन्वेंशन ऑफ एग्रीमेंट इज़ द CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वट इज़ द मीन बाई कन्वेंशन? कन्वेंशन अमूमन आप देखते हैं कि कन्वेंशन जो होता है ना, वो हम इज्तमा को कहते हैं, या बहुत सारे लोगों को इकट्ठा हो जाने को, भाई ये कन्वेंशन हो रहा है। लेकिन एक और मैनी भी है कन्वेंशन का जो इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो क्या है? A way in which something is usually done। Convention mean a way in which something is usually done। एक ऐसा तरीका जिसमें कुछ आम तौर पर किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? Convention कहते हैं, ठीक है। Convention on Biological Diversity CBD is an international legally binding treaty। एक मुआहदा है, कानूनी तौर पर एक मुआहदा है, विद थ्री मेन गोल्स, जिसके तीन बड़े गोल्स हैं बेटा। पहले मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि गोल क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। गोल और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क होता है। गोल जो होता है आइडिया होता है ऑफ फ्यूचर का, या डिज़ायर होता है रिज़ल्ट की, डिज़ायर्ड ऑफ़ ए पर्सन की डिज़ायर होती है या एक आइडिया होता है, वो गोल कहते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन टू बी अटेंड और अचीव्ड, ठीक है। उसके लिए कोई हिकमत अमली होती है उसको हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये फ़र्क है गोल और ऑब्जेक्टिव में। तो CBD का गोल क्या है? थ्री मेन गोल्स हैं। पहला ये है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकंड इज़ द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड द थर्ड इज़ द फेयर एंड एक्यूटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। एक्यूटेबल का माना होता है मुनसफाना तौर पर शेयर करना, हिस्सा देना, किसका? बेनिफिट्स का, ठीक है। अराइजिंग कहाँ? जो के बनते हैं फ्राम द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, जो के जेनेटिक रिसोर्सेस से इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। जेनेटिक रिसोर्सेस जो होती हैं उनके इस्तेमाल को मुनसफाना तौर पर उनकी तकसीम
जो है वो करानी होती है किसने, सीबीडी ने, ये उसका क्या है, गोल है। ठीक है, तो ये जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होती हैं, ये जो मकसद है कि हम कोई वैरायटी तैयार करते हैं इस किस्म की, जैसे आप कहते हो कि फ्रीजन गाय काउज हमारे मुल्क में आई हुई है ना, तो वो जेनेटिक रिसोर्सेज हो गई ना, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई और हमारे मुल्क में आ गई। वो किस से आई कि जो सीबीडी ने एग्रीमेंट किए हुए हैं उस सूरत में हमें भी वो अवेलेबल हो सकी है। ठीक है, क्योंकि इनकी मिल्किंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो यहाँ हमारे मुल्क में भी आ गई हैं। तो ये जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज की मुनसफाना तकसीम है। तो जेनेटिक रिसोर्सेज होता क्या है, वेरिएबिलिटी विद इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, कोई भी तब्दीली हम ले आए किस में, प्लांट्स में या एलिमेंट, कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम ह्यूमन एंड नेचुरल सेलेक्शन से ओवर मिलियन, जो सदियों से जो है काम करने से या कुदरती तौर पर हो रही हैं, वो जेनेटिक रिसोर्सेज बन रही हैं या इंसान की अपनी एफर्ट से बन रही हैं। ठीक है, और सीबीडी के 3 ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो हैं और गोल में फ़र्क क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है टू अटेन आर अचीव हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो सीबीडी इज़ ऑफन सीन एज द की इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल मकसद है कि मुस्तहकम तौर पर जो है डेवलपमेंट जो करनी होती है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कवर्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पर जो है वो क्या करती है, कवर करती है किसको, बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम स्पीशीज को एंड जेनेटिक रिसोर्सेज को। ठीक है, इट आल्सो कवर बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग थ्रू द कॉर्डजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी। कॉर्डजीना प्रोटोकॉल क्या होता है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सेफ हैंडलिंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं जेनेटिकली हों या किसी तरीके से हों, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको क्या करते हैं, ये उनकी हिफाजत करते हैं या उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं या उनको लीगली सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है ये। इनफैक्ट इट कवर्स ऑल पॉसिबल डोमेन्स, हकीकत में जो है ये सीबीडी जो है वो तमाम मुमकिन, ठीक है, डोमेन्स कहते हैं मलकियती जो इलाका होता है, ठीक है, एरिया ऑफ टेरिटरी ओन सीबीडी जो एरिया जो है अपने कवर में ले लेता है, IUCN अपने अपनी कस्टडी में जो इलाका मुतय्यन कर लेता है उसको हैंडल कर लेता है, तो वो डोमेन्स है उसका। ठीक है, कवर्स ऑल पॉसिबल डोमेन्स एंड आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ऐसे डोमेन्स जो के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, एंड इट्स रोल इज़ डिवेलपमेंट, और इसको रोल अदा करती है उसकी डिवेलपमेंट में। ठीक है, सीबीडी गवर्निंग बॉडी क्या होता है, अथॉरिटी जो होती है उसकी, इज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, फॉर्मल मीटिंग जो होती है, ठीक है, पार्टीज़ जो होती हैं उनकी फॉर्मल मीटिंग जो होती है वही सीबीडी की गवर्निंग बॉडी होती है। पार्टीज़ की जो मीटिंग होती है, फॉर्मल मीटिंग होती है ना, एक इनफॉर्मल होती है एक फॉर्मल होती है, फॉर्मल होती है जो बाकायदा से हो, ठीक है, तो वो जो है फॉर्मल मीटिंग जो है वही सीबीडी की क्या है, अथॉरिटी है। दिस अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट या पार्टीज जो है दैट हैव रेटिफाइड द ट्रीटी मीट्स एवरी 2 ईयर्स टू रिव्यू प्रोग्रेस, ठीक है, फॉर्मल कॉन्सेंट होता है, रेटिफाइड क्या होता है, फॉर्मल कॉन्सेंट होती है। ठीक है, तो ये जो है रिव्यू करती है हर 2 साल बाद, सेट
प्रायोरिटीज़ प्रायोरिटीज सेट करती है, ठीक है, एंड कमिट टू वर्क प्लान, और जो वर्क प्लान है उस पर कमिटमेंट देती है अपनी। द सेक्रेटरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ बेस्ड कहाँ है, इन मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू असिस्ट गवर्नमेंट्स, ठीक है, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBD एंड इट्स प्रोग्राम ऑफ वर्क, ठीक है। ये सेक्रेटरिएट जो है इसका फंक्शन क्या है, ये गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनको क्या करना होता है, CBD के प्रोग्राम जो हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराता है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स भी कराता है, ड्राफ्ट करता है डॉक्यूमेंट्स को। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ रिटन वर्क होता है। प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ रिटन वर्क को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। एंड कोऑर्डिनेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और कोऑर्डिनेट करता है बैनुल अक्वामी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड कोलेक्ट एंड स्प्रेड इंफॉर्मेशन। तो बैनुल अक्वामी ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी हैं जो के कंजर्वेशन में काम कर रही हैं, उनसे क्या है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन और उनको आगे जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ स्प्रेड करता है, ठीक है। एग्जेक्टिव सेक्रेटरी इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट। ये मॉन्ट्रियल में जो सेक्रेटरिएट है CBD का, इसको हेड कौन करता है, सेक्रेटरी होता है। द नोशन आर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज कंसीव्ड। नोशन क्या होता है, कंसेप्ट या इमेज को कहते हैं। नोशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इस कंसीव्ड एट ए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये जो ओरिजिनेट करते हैं ना, ये कंसीव्ड का मतलब होता है ओरिजिनेट ए प्रोजेक्ट या फॉर्म्स, किस में करता है ये इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, किसका, यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। एंड एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, एडहॉक होता है जो अर्जी तौर पर जो होता है ना, ऐसे जब तक काम होता है उनको जो है ना उधर एम्प्लाई किया जाता है, ठीक है। एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन नवंबर 1988, ठीक है। सोन आफ्टर इन मे 1989 इट एस्टेब्लिश द एडहॉक वर्किंग ग्रुप ऑफ टेक्निकल एंड लीगल एक्सपर्ट्स। तो 88 और 89 में क्या हुआ, यही एडहॉक वर्किंग ग्रुप जो था ये क्या हो गया, टेक्निकल और लीगल एक्सपर्ट्स इसमें आ गए टू प्रिपेयर एन इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट, कि वो जो है कानूनी तौर पर इंस्ट्रूमेंट्स बनाएं उसके, फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके लिए लॉज वगैरह जो हैं वो उन्होंने मुतय्यन किए। द एक्सपर्ट वर टू टेक इनटू अकाउंट, द एक्सपर्ट वर टू टेक इनटू अकाउंट, टू टेक इनटू अकाउंट का क्या मतलब होता है, मतलब को मद्देनज़र रखना। टू टेक इनटू अकाउंट क्या होता है, मतलब को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया, द नीड टू शेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बिटवीन डिवेलप्ड एंड डिवेलपिंग कंट्रीज़। जो तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके दरमियान जो है कॉस्ट जो है मकसद है ख़र्चा और उसके फ़ायदे की ज़रूरत को उन्होंने क्या किया, मद्देनज़र रखा, ठीक है। एज़ वेल एज़ वेज एंड मीन्स टू सपोर्ट, और वो ज़राए जो हैं उनको सपोर्ट किया, किस को, इनोवेशन के लिए, नई राह के लिए, बाय लोकल पीपल के थ्रू, ठीक है। बाय फरवरी 1991 द एडहॉक वर्कर ग्रुप हैड बिकम नोन एज़ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। यही जो है एडहॉक वर्कर्स जो थे ये किस में बदल गए, इंटर गवर्नमेंटल
नेगोशिएटिंग कमेटी में इंटरनेशनल गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, ठीक है, ये क्या है, बैनुल सरकारी मज़ाकराती टीम हो गया, इसको उर्दू में हम ऐसे कह सकते हैं ना, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी को क्या कहेंगे, बैनुल सरकारी मज़ाकराती कमेटी, ठीक है। अब सरकार जो इंटरनेशनल मकसद है कि कमेटियां होंगी जो मज़ाकराती हैं उनके दरमियान, ठीक है। इट वर्क कल्मिनेटेड ऑन 22 मई 1992, ठीक है। कल्मिनेटेड माना क्या होता है, पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट कह लें इसे, ठीक है। इट्स वर्क कल्मिनेटेड ऑन 22 मई 1992 विद द नैरोबी कॉन्फ्रेंस फॉर द अडॉप्शन, अडॉप्शन माना होता है ADOP जो होता है, अडॉप्शन माना होता है कबूल करना या अख्तियार करना ऑफ द एग्रीड टेक्स्ट, एग्रीड टेक्स्ट होगा मुतफ़िका मतन जो बनता है बना है, ठीक है, ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये कहाँ कब हुआ था, 22 मई 1992 को, ठीक है। द कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 5 जून 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कौन सी, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट पर जो हो रही थी तब जो था इस कन्वेंशन को, इस कन्वेंशन को साइंड अप किया गया इसको, ठीक है, इस पर दस्तखत किए गए, ठीक है। इट रिमेंड ओपन फॉर सिग्नेचर अनटिल 4 जून 1993, और ये खुला रहा कि इन पर किन किन मुल्कों ने और दस्तखत करने हैं, कब तक, 4 जून 1993 तक ओपन रहा ये, बाय विच टाइम इट हैड रिसीव्ड 68 सिग्नेचर, और ये इतने अरसे तक जो ओपन रहा तो इस पर क्या है 168 जो है सिग्नेचर हुए। द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स, और फिर भी इसको लागू किया गया कब, 29 दिसंबर 1993 में, ठीक है, विच वॉज 90 डेज आफ्टर द 30th रेटिफिकेशन, ये 90 दिन हो गए थे इसको, किसके बाद, आफ्टर 30th ऑफ रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन क्या होता है कि उसकी मंजूरी के बाद, ठीक है, या जायज़ करार देने के बाद या मंजूरी के बाद 90 डेज तक ये ऐसे रहा। 2018 में जो है मार्च 25th एनिवर्सरी ऑफ द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 25वीं जो एनिवर्सरी थी 2018 में थी, सिंस एंट्रिंग इनटू फोर्स द कन्वेंशन हैज़ बीन इंप्लीमेंटेड थ्रू द वीएन एंड लीडरशिप डिस्प्लेड बाय द कंट्रीज, बाय द कंट्रीज नॉन गवर्नमेंट थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडिजीनियस पीपल्स थे इसमें, इंडिजीनियस होता है कि नेटिव लोग जो होते हैं, ठीक है, एंड लोकल कम्युनिटीज़ भी थी, एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज़ मतलब साइंसदान भी इसमें थे, एंड इंडिविजुअल अलाइक, इंडिविजुअल अलाइक का माना होता है इनफरादी तौर पर, ठीक है, इनफरादी तौर पर भी थे, पार्टीज़ की सूरत में भी थे, ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में भी थे जिन्होंने इसे साइन किया। द रिजल्ट्स आर कंसीडर एबल द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक गाइडेंस फॉर द कन्वेंशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर, किसके लिए, बायोम्स, किसके लिए थी ये सारी मेहनत जो थी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक गाइडलाइंस किस लिए थी, फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है, एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर, किसके लिए था ये सारा, बायोम्स के लिए था, बायोम्स कहते हैं हयाती खित्ता, बायोम्स मानी हयाती खित्ता अराउंड द वर्ल्ड। द इंट्री इनटू फोर्स ऑफ द कार्टिजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जीनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड एक्यूटेबल मुनसफाना
शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्राम देयर यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स। ठीक है, आफ्टर अडॉप्टिंग ए स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आफ्टर अडॉप्टिंग, जब हमने अख्तियार कर लिया, ठीक है, अख्तियार करने के बाद स्ट्रेटजिक प्लान ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 तक था। पार्टीज हैव मेड सिग्निफिकेंट हेडवे इन द अचीवमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ इट्स एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। 2011 से जो 20 तक जो था, किस पे करना था उसने, अचीवमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ इट्स एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्या होते हैं? ये तीन होते हैं एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो होते हैं। इसमें क्या होता है कि एड्रेस द अंडरस्टैंडिंग काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, एड्रेस करना किसको और समझना वजूहात जो हैं बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के, बाई मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, सेकेंड है कि रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़। ये क्या है, ईची है, क्या है, ईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स है। और तीसरा है कि इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाई सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम, इम्प्रूव करना है। ठीक है, द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाई सेफ गार्डिंग, तहफ़ देना इकोसिस्टम को, स्पीशीज को एंड जीनेटिक रिसोर्सेज को। ठीक है, और आगे है कॉन्फ्रेंसेस, इसमें थोड़ी सी वो हिस्ट्री लिखी हुई है। और फिर है सब सी डेरी बॉडी ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, तो ये भी पढ़ने से थोड़ा सा जो है वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, ठीक है।